हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए एपिसोड में। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारे पास ये है माइनलैब कंपनी का बैंकिस 540 मेटल डिटेक्टर, जो कि ये पूरे वर्ल्ड में नंबर वन मेटल डिटेक्टर है। दोस्तों, इसमें जो है ये मशीन आता है 12 इंची कॉइल के साथ। तो दोस्तों, जो है आज हम यहाँ पर आए हुए हैं हंटिंग करने, और आपको दिखाते हैं बैंकिस 540 कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो है मैं आपको इसको चलाने का तरीका बताता हूँ कि अगर आप बैंकिस 540 मेटल डिटेक्टर परचेज करते हैं तो आपको कैसे चलाना है। तो आइए डिस्प्ले पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन को यहां से ऑन करते हैं। हमारा मशीन ऑन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ब्राइटनेस का बटन दिख रहा है। अगर हम नाइट मोड में अगर यूज करते हैं तो यहां से हम ब्राइटनेस ऑन कर देंगे तो ब्राइटनेस हमारा जो है ये ऑन हो जाएगा। रात में जो है विजिबिलिटी बहुत बढ़िया इसका आ जाएगा। अभी ये क्या है, दिन है, तो हम दिन में ब्राइटनेस नहीं चलाएंगे क्योंकि बैटरी हमें बचत करनी है। ये होता है ब्लूटूथ हेडफोन। अगर आपको कनेक्ट करना तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम। ये होता है सर्चिंग मोड, जैसे अगर आपको कॉइन हंटिंग करना है तो कॉइन हंटिंग कर सकते हैं। ये रेलिक हंटिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ज्वेलरी हंटिंग। अगर आपको करना चाहते हैं तो ज्वेलरी हंटिंग कर सकते हैं। ये होता है कस्टमाइज। आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको जो है जो चाहो चालू कर सकते हो, जो मेटल चाहो तो बंद कर सकते हो। ठीक, अभी क्या है कि दोस्तों हम इसको चलाते हैं कॉइन हंटिंग पे। ठीक है दोस्तों, और ये आप बटन देख सकते हैं, ये है आल मेटल का है, नाल बना हुआ है। अगर हमें जो है लोहा बंद करना है तो हम जो है नाल को प्रेस कर देंगे तो लोहा बंद हो जाएगा, और अगर नाल को प्रेस करेंगे दोबारा से तो ये ऑन हो जाएगा, आल मेटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जो है साउंड को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये होता है हमारा कैशिंग पावर, इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। ये देखिए, अगर हम सेंसिटिविटी जो है अगर कमरे के अंदर मशीन को यूज करते हैं दोस्तों, तो सेंसिटिविटी थोड़ा सा आप कोशिश करो कि कम रखिए। अगर आप जो है ओपन लैंड में हैं, ओपन एरिया में हैं दोस्तों, तो आप फुल कर दीजिए। देखो मशीन एकदम हमारा साइलेंट है। जब हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं मशीन, तो फुल करने पर जो है थोड़ा सा साउंड करने लगता है। वो इसलिए क्योंकि जो है ऑफिस के अंदर एसी, लाइट, पंखे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके कारण से जो है मशीन आवाज़ करता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू अगर दबा के रखेंगे प्रेस करके तो ये हमारा होता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट को लोकेट करता है। यहाँ से हमें क्या चीज़ चालू करना है, क्या बंद करना है। सपोज दैट मान के चलो, जैसे अगर मैंने आयरन को ऑफ कर दिया, आयरन के साथ देखो दोस्तों तो 0 से लेकर 10 तक का भी जो है नंबर बंद है यहाँ पर। अगर हमें इसको भरना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हम इसको भरते हुए चले आ रहे हैं। ये होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। ठीक है दोस्तों, अगर हमें जो है मान के चलो कि जो 0 से लेकर 10 तक का नंबर हमें बंद करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको इसको भर के दिखाया, सीधा जो है ये खाली करते हुए आप चले जा सकते हैं। ठीक है, सिल्वर फॉइल वगैरह जो भी आप चाहो इसमें बंद कर सकते हो, जो चाहो आप इसमें उस मेटल को आप चाहे तो ऑन कर सकते हो, चाहो तो ऑफ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सेटिंग इसका जो है समझ आ चुका होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड पे कैसे चलाना है मशीन को। सबसे पहले हम इसको जो है अपने लंबाई के अनुसार जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है मशीन का जो भी सेटिंग करना हो आप करके। मशीन को चलाना कैसे, ऐसे नहीं चलाना दोस्तों, ये गलत सेटिंग होती है चलाने का। इससे आपको डेप्थ भी नहीं मिलेगा और रॉन्ग सिग्नल जो है मशीन बताएगी। आपको चलाने का तरीका क्या है, ज़मीन से जो है इतना ऊँच, मतलब कि 1 इंच या 1/2 इंच आप लेकर के चलिए। चलाने का तरीका क्या है कि एक ऐसे इस प्रॉपर वे में आपको चलना है। ठीक है, ये भी नहीं करना कि जो है आप ऐसे भागते हुए जा रहे हो। ऐसे भागते हुए जाओगे दोस्तों तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलाने का जो तरीका है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रॉपर, यानी जो है बीच में जो जगह छूटती है वो नहीं छूटनी चाहिए। अगर जहाँ पर हमारी मशीन आवाज़ करेगी, समझो कि वहीं पर हमारा टारगेट है। अभी हमें यहाँ पे जो है 20 सिग्नल आ रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, दिखाइए एक बार डिस्प्ले पे। हमें यहाँ पे सर्चिंग के दौरान कई सारे सिग्नल आए, लेकिन हमें जो है वो फॉल्स सिग्नल आ रहा था। फॉल्स क्या दोस्तों, वो अदर साउंड आ रहा था, ऐसा जो है गुटके के पाउच का सिग्नल आ रहा था, ऐसे कुछ, उसको हमने जो है इग्नोर कर दिया। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए साउंड हमारा एकदम क्लियर आ रहा है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पिन पॉइंट आवाज़ करता है नहीं करता है। आवाज़ कर रहा है पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट आवाज़ कर रहा है हमारा। अभी हम यहाँ पे प्रो फाइंड 35 ये पिन पॉइंटर यूज कर रहे हैं, पिन पॉइंटर भी हमारा आवाज़ कर रहा है, यानी कि जो है मेटल जो भी है वो ऊपर ही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डेप्थ का भी सिग्नल आता है, ये यानी दो सिग्नल आ रहे हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। खुदाई के दौरान ही चला गया दोस्तों। ये हमें मिला हुआ 5 का सिक्का, ये देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारी मशीन यहाँ पे आवाज करती है नहीं करती। अब आवाज नहीं करती। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो है खुदाई के दौरान एक सिक्का मिला हुआ है। तो आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।